जाइए दोस्तों, एक नई गजल जो हमारे बहुत साथियों के, हमारे दोस्तों के फोन आए हैं और तब ये गजल के राइटर हमारे बड़े भ्राता सीटू शास्त्री जी और मैं आपका जाना पहचाना आपका दोस्त सुनील शास्त्री अकेला। ये काफी फोन आए हमारे मित्रों के और ये कहा क्या बात है, तो कोई बात नहीं भैया, हमारे सीटू भैया जी कथा में लगे थे और हम भी लगे थे, लेकिन हम तो अपनी जनता की सेवा के लिए हाजिर हैं और ये गजल लेके चल रहे हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमकार से कहता है, उस प्रेमकार से जो उसे हजारों झूठे सपने वादे दे करके चली गई और जब गई तो मुड़के तक नहीं देखा, तो वो प्रेमी रोता हुआ दुखी हो गया तो बोला, दूसरे के पीछे तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जिस दिन तूने मुझे छोड़ा तेरे दिल में दया नहीं आई, तूने एक मिनट तक को ये न सोचा कि हमारे जाने के बाद हमारे इस प्रेमी का क्या होगा। तो प्रेमी कहता है, क्या कहता है इस गजल के माध्यम से देखें। तेरे जाने के बाद मरा नहीं जीना आ गया, कि जिंदगी में क्या करना है, तू तो बेवफा बनी मुझे जीना आया है। और कहता है प्रेमी जो बाते थे तेरे वो काम नहीं आए, बेवफा तेरे दिल में कौन सा कपट, कौन सी चाल भरी थी जो तूने झूठे झूठे वादे करते समय तरस नहीं खाया। अरे तेरे दिल को तो पता होगा कि एक दिन मुझे छोड़ना है, लेकिन क्यों ये सपने दिखाती रही, जो वादे थे तेरे वो काम नहीं आए, जो जख्म दिए तूने वो अभी न भर पाए, सुन ले बेवफा जो जख्म दिए भर नहीं पाए, जो जख्म दिए तूने वो अभी न भर पाए। We'll be right back.
रहता है वो प्रेमी, जिस प्रेमी का दिल चलनी सा करके चली गई। और इस पीड़ता से, इस बीमारी से मेरे हजारों भाई जूझ रहे हैं। हजारों भाइयों का जब दर्द फोन हमारे पास आता है, समझ में नहीं आता कि औरत क्यों धोखा दिया करती है। या तो प्रेम ना करे, और प्रेम करे तो उस प्रेम को निभाने की सोचे। लेकिन हमारे हजारों भाइयों की जान खतरे में है, बेचारे इन भेदभाव के चक्कर में जान गंवा देते हैं। और जितने लोगों ने कहा कि भैया जी हमें रास्ता बताओ, उनसे भी मेरा कहना है, इन भेदभाव के चक्कर में मरना नहीं है, माता पिता की तरफ देखना है। ये जीवन परमात्मा ने दिया है, और जब परमात्मा ने दिया है तो उसे देखो। लेकिन इन भेदभाव के चक्कर में मरो नहीं, क्योंकि तुम तो चले जाओगे, इन्हें तो दूसरा भी मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा। इसलिए कहना है और कहना है। देखे सभी प्रेमी, ये देश धर्म सेना हो गया अभी खाली, ये देश हमारा अभी धर्म से खाली नहीं हुआ है। तुम सोचो खाली हो गया है, देखते ये देश धर्म सेना हो गया अभी खाली, पर हमने देखा है कुछ है धंधे वाली। गौर करना हमारे भाइयों, जो एक छोड़ के दूसरा पति बनाती तो मान के चलना ये धंधे वाली है। इनके लिए अपने प्राणों को त्यागना सबसे बड़ा पाप है। प्राणों को त्यागना नहीं है, इनके सामने अच्छे से जी के दिखाना है और अपनी लाइफ बनानी है। क्यों, मर गए तो इनका क्या जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन हमारे घर परिवार वालों ने पाला है, उन्हें पूछो। इसलिए मेरा कहना है, ये देश धर्म सेना हो गया अभी खाली, पर हमने देखा है कुछ धंधे वाली।
कहता है, देख लिया मैंने दुनिया में घूम के, जिसने हजारों सपने दिखाए आज वही अपना नहीं पराया हो गया। कहने का मतलब, किस पे विश्वास करूं, यहाँ कोई नहीं अपना। प्रेमी बोला, किस पे विश्वास करूं, यहाँ कोई नहीं अपना। जो संग संग रहने का कभी देती थी सपना। थोड़ी बेवफा, ये बात कहते हुए तेरी जिभ्या में कीड़ा क्यों नहीं पड़े, तेरी जीभ क्यों नहीं कटके गिर गई, क्यों तूने धोखा दिया, क्यों हजारों सपने दिखाए रे नागिन। जो संग संग रहने का कभी देती थी सपना। मैंने अपने जीवन में खुद धोखा खाया है, तू तो बेवफा बनी, मुझे जीना आया है। प्रेमी कहता है, बेचारा कहीं का नहीं रहा, जिसे दिल से प्यार किया ठोकर लगा दी, क्या करे। और अंतिम कड़ी में है जो कलम हमारे बड़े भ्राता जी ने चलाई है। और देखते हैं इस कलम के माध्यम से, मामूली कलम नहीं है भैया, जब लिखती है तो पता नहीं कैसा कैसा लिखती है। मेरे सीटू भैया की ये कलम चले न्यारी, और माधव कैसे टिकी कुछ कृपा वही बहारी। सत्य है ये बात, आज मेरे ऊपर जो भी कृपा हुई ये मेरी माधव कैसे कंपनी की देन है। और लोगों की नज़रों में सुनील अकेला के दर्शन कराए, सुनील अकेला को आगे बढ़ाया, ये सिर्फ मेरे सिटू भैया और माधव कैसेट कंपनी की देन है। वरना जैसे लोगों को कोई नहीं जानता, मैं भी कोई नहीं जानता, इसलिए कहना है मेरे सिटू भैया की ये कलम चले न्यारी, और माधव कैसेट की कुछ कृपा वही बहारी। मेरी प्यारी जनता में, मेरी प्यारी जनता ने हमको अपनाया है, तू तो बेवफा बनी, मुझे जीना आया है।
तो बेबपा बनी मुझे जीना आया है। प्रेमी कहता है भजन लोक गीत रसिया गजल सुनने के लिए माधव कैसेट को सब्सक्राइब करें।